मगरमच्छ पानी और धरती पर पाए जाने वाला एक खतरनाक जीव है। खुरदुरी खाल, उबड़ खाबड़ शरीर और मजबूत जबड़े वाला ये प्राणी ऐसा है कि देखने पर रोंगटे खड़े हो जाए। ये धरती के प्राचीनतम जीवों में से एक है। इस जीव की खाल बुलेट प्रूफ होती है, जिसे बंदूक की गोली द्वारा भी भेदा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद भी मानव द्वारा किए जाने वाले शिकार के कारण इसकी कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। कारण है, इसकी खाल जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ खालों में गिनी जाती है और फैशन इंडस्ट्री में बहुत लोकप्रिय है। इसकी खाल से बने कई सामान लाखों में बिकते हैं। आपको इन खूंखार मगरमच्छों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पृथ्वी पर मगरमच्छ की 23 विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। लेकिन इनमें से मगरमच्छ मुख्यतः दो हैं, खारे पानी के मगरमच्छ और मीठे पानी के मगरमच्छ। खारे पानी के मगरमच्छ समुद्र और नदियों के मुहावनों पर पाए जाते हैं, वहीं मीठे पानी के मगरमच्छ नदियों, झीलों और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आकार में खारे पानी के मगरमच्छ मीठे पानी के मगरमच्छ से ज़्यादा बड़े होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 5 से 7 फीट तक होती है और वजन लगभग 900 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक होता है। अब तक का सबसे बड़ा साल्ट वाटर मगरमच्छ आश्चर्यजनक रूप से 20.24 फीट लंबा था। विश्व के सबसे बड़े मगरमच्छ की प्रजातियां भारत, फिजी और ऑस्ट्रेलिया के खारे पानी में पाए जाते हैं। इस प्रजाति को क्रोकोडाइल्स पोरारस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 123 फीट और वजन 100 किलोग्राम तक हो सकता है। सबसे छोटा मगरमच्छ ड्वार्फ मगरमच्छ होता है। इसकी लंबाई 5 फुट तक होती है और वजन 32 किलो तक होता है। इसका जबड़ा भी बहुत मजबूत होता है। इसके बावजूद ये अपने शिकार को चबाने के स्थान पर निगलना पसंद करते हैं। मगरमच्छों को अक्सर शिकार मुंह में दबाए पानी में लौटते हुए देखा जाता है। ऐसा ये शिकार पाने की खुशी में नहीं करते, असल में हाथ न होने के कारण ये शिकार के मांस को चीर नहीं पाते। इसलिए दो मगरमच्छ शिकार को अपने जबड़े में पकड़ते हैं और दोनों मगरमच्छ शिकार को विपरीत दिशा में खींचते हैं। इसलिए शिकार का मांस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वह अपने शिकार को मजे से खाते हैं। मगरमच्छ जब चिड़ियाघर में होते हैं तो मरे हुए चूहे, मछलियाँ आदि खाते हैं। जंगल में ये कठोर चमड़ी वाले जानवर मेंढक, मछली, हिरण, पक्षी और कभी कभी तो इंसानों का भी शिकार कर उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। आपने अक्सर मगरमच्छ को नदी किनारे जबड़े खोलकर लेटे हुए देखा होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये आक्रमण की तैयारी में है, असल में ऐसा ये खुद को ठंडा रखने के लिए करते हैं। विशेषकर गर्मियों के मौसम में पसीने की ग्रंथि नहीं होने से मगरमच्छों को पसीना नहीं आ पाता। ऐसे में ये अपने शरीर की गर्मी मुंह द्वारा बाहर निकालकर खुद को ठंडा रखते हैं। मगरमच्छ का शिकार इसकी मांस और खाल के लिए किया जाता है। खाने और दवाई के साथ ही इसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी किया जाता है। सबसे पहले इसका व्यावसायिक इस्तेमाल 1800 के दशक में उत्तरी अमेरिका में हुआ था। 1950 के बाद से दक्षिणी अमेरिका में भी व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए मगरमच्छ का शिकार प्रारंभ हुआ। मगरमच्छ और घड़ियाल एक नहीं होते। मगरमच्छ आकार में घड़ियाल से कहीं अधिक बड़े होते हैं। इनका जबड़ा वी शेप का होता है और बंद होने पर भी इनके कुछ दांत दिखते रहते हैं। वहीं घड़ियाल का जबड़ा यू शेप का होता है और बंद होने पर इनके दांत नहीं दिखते। मगरमच्छ के पूरे शरीर पर, विशेषकर जबड़े में,
सेंसर होते हैं। ये सेंसर उनके मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। इनके कारण ही मगरमच्छ पानी में होने वाली छोटी से छोटी हलचल को भी भाप जाते हैं और अपने शिकार का पता लगाकर उस पर हमला कर पाते हैं। मादा मगरमच्छ एक साथ 20 से 80 अंडे देती है और मिट्टी के घोंसले बनाकर अपने अंडों को उनमें दबा देती है और 3 माह तक इन अंडों की देखभाल करती है। लेकिन इनमें से 99% मगरमच्छ बड़े होने के पहले ही मार दिए जाते हैं या फिर किसी जानवर का शिकार हो जाते हैं। मगरमच्छों को सांस लेने के लिए पानी की सतह के बाहर थोड़ी थोड़ी देर में आना पड़ता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये पानी के भीतर 5 से 6 घंटे आराम से बिता सकते हैं। मगरमच्छ के गले के पीछे एक वाल्व होती है जिसके कारण ये पानी के अंदर भी अपना जबड़ा खोलकर रख सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।